नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों जिस भी जातक का चंद्र कमजोर होता है तो आप लोगों को लक्षण कैसे समझ में आए कि आपके चंद्र कमजोर है? दोस्तों सोमवार का दिन जो होता है वो भगवान महादेव को समर्पित होता है, और यदि चंद्र जिस जातक का कमजोर है तो महादेव की यदि उपासना करता है, थोड़ी सी भी पूजा कर लेता है, तो उसका जो दिमाग है, उसका जो मन है, वो शांत हो जाता है, क्योंकि चंद्र का सीधा सा संपर्क होता है हमारे मन से। ठीक है दोस्तों, महादेव जो है ये अवघड़दानी है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि महादेव के सामने हमेशा जहरीले जीव जंतु ही क्यों रहते हैं? आपने देखा होगा नाग रहते हैं, बिच्छू रहते हैं, छिपकली रहती हैं, और चंद्र को सिर पर स्थान क्यों मिला? दोस्तों महादेव जो है, महादेव हर उस जीव जंतु को जिसे जो कोई पसंद नहीं करता है, जैसे कि अगर आपके घर में सांप निकल आता है आप उसे डंडे से मार के भगाएंगे, छिपकली को आप पसंद नहीं करते हैं, बिच्छू को आप पसंद नहीं करते हैं, तो जिस भी जीव जंतु को सारी दुनिया त्याग देती है उसे महादेव अपना लेते हैं, इसीलिए महादेव को महादेव का स्थान प्राप्त है। और चंद्र अगर आपका कमजोर है तो सिर्फ महादेव की उपासना कर लीजिए। दोस्तों एक समय गणेश भगवान अपनी पत्नी रिद्धि सिद्धि के साथ में आकाश में भ्रमण कर रहे थे, तो चंद्र ने गणेश भगवान का उपहास किया, गणेश भगवान ने उनको श्राप दे दिया, वो निस्तेज होकर के धरती पर गिर गए, उनकी कोई भी जगत में मान्यता खत्म हो गई, पूजा पाठ उनकी बंद हो गई। तो चंद्र ने क्या किया, भगवान महादेव की उपासना की। ठीक है, महादेव की उपासना करके जब महादेव ने उन्हें वरदान दिया, महादेव से उन्हें विनती की कि मेरी तो जगत में कोई वैल्यू नहीं है, कोई मुझे मानेगा नहीं, तो आप मुझ पर कृपा करिए। तो इसलिए महादेव ने उनको कहा कि मैं तुम्हें ऐसा स्थान दूंगा जहां पर तुम्हारी सब जगह मान्यता होगी। तो महादेव ने उन्हें अपने सिर पे, अपनी जटाओं पे स्थान दिया, इसलिए चंद्र की आज बहुत विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, चंद्र यदि कमजोर होता है तो उसका मन हमेशा शांत रहेगा, उसकी जिंदगी में पैसों की हमेशा कमी रहेगी, और ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं ये सोमवार के दिन में आपको करना है। आप क्या करें, कोई भी शिवालय में जाएं, घर से जल लें, उसमें दूध और काली तिल, दूध जो है चंद्र का है और काली तिल जो है ये राहु की है। आप सभी जानते हैं कि राहु जिसका मजबूत है उसकी जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी नहीं आ सकती, और जिसका राहु कमजोर है उसका हो गया फिर। तो राहु को इससे आपके एक प्रयोग से आपके चंद्र और आपके राहु ये दोनों आपके मजबूत होंगे, राहु भी आपको अच्छा फल देगा और चंद्र भी आपको अच्छा फल देगा, और जब राहु केतु एक साथ मिलेंगे तो आपके धन योग बनेंगे आपकी जिंदगी में, ऐसे साधन मिलेंगे जहां से आपको धन की प्राप्ति हो, आर्थिक तंगी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों करना क्या है आपको, सोमवार के दिन में या फिर प्रदोष के दिन में और या फिर अमावस्या के दिन में, अगर आप इस प्रयोग को डेली कर सकते हैं तो डेली करिए, और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अमावस्या, सोमवार, त्रयोदशी और चतुर्दशी यानी कि प्रदोष का दूसरा दिन, इन दिनों में आपको इस प्रयोग को जरूर करना है। एक तांबे के पात्र में जल भरें, 2 चम्मच दूध डालें, 4 चुटकी काली तिल डालें, ठीक है, और ले जाकर के शिवालय में, किसी अगर घर में शिवलिंग है तो घर में कर सकते हैं, और घर में शिवलिंग नहीं है तो शिवालय चले जाएं, जहां पर शिवलिंग हो वहां पर जाकर के ओम नमः शिवाय इस मंत्र से भगवान शिव का अभिषेक कर दें। यह प्रयोग आपको कंटिन्यू करना है, मतलब कि जब भी त्रयोदशी आती है, प्रदोष आता है, और जब भी चतुर्दशी आती है दूसरे दिन, और उसके बाद में अमावस्या, इन 3 दिन आपको करना ही करना है, और साथ में सोमवार के दिन में। ये चंद्र जब आपके मजबूत होंगे और साथ में राहु का जब योग बनेगा तो आपकी जिंदगी में पैसे बहाने मार मार के आएगा, कभी भी आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सोमवार के दिन में बिल्व पत्र लें, बेल पत्र में आपको क्या करना है, सबसे बीच वाली जो यानी कि 3 पत्तियां होती हैं, तो पहली वाली पत्ती में आपको आजू बाजू जो पत्ती है वो छोड़ करके जो पहली वाली पत्ती होती है ऊपर होती है उसमें आपको
लाल चंदन से श्री मंत्र लिख देना है और इस बेलपत्र को आपको क्या करना है, शिवलिंग पर ओम श्रीम शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 11 बार 21 बार 51 बार या 108 बार जाप करके सोमवार के दिन में, प्रदोष के दिन में, चतुर्दशी में, अमावस्या में और डेली कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। इसको आप शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दीजिए। शमी पात्र जो होता है यह सबसे ज्यादा बेस्ट है धन प्राप्ति के लिए, तो शमी पात्र का एक बहुत ही खास प्रयोग मैं आज आपको बता रहा हूं, यह भी आप कर सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन शिवलिंग पर एक शमी पात्र शहद जो होती है मधु हनी इसको डिप कर दें, उसमें डुबो दें पूरा, ठीक है। सोमवार से इस प्रयोग को स्टार्ट करें या प्रदोष से इसको स्टार्ट करें या अमावस्या से स्टार्ट करें इसको, और शनिवार को भी आप कर सकते हैं इसको पूरा शहद से डूब करके और शिवलिंग पर ओम श्रीम शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले आप क्या करेंगे, आपने शमी पात्र लिया उसको शहद में पूरा डुबो दिया, इसको शिवलिंग में चढ़ा दिया, अब ओम श्रीम शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सोमवार से स्टार्ट करें, शनिवार से स्टार्ट करें, प्रदोष से स्टार्ट करें, अमावस्या से, चतुर्दशी से, इन दोनों से स्टार्ट करके अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपकी जिंदगी में पैसों की कभी कमी नहीं आएगी, धन योग बनना शुरू हो जाएंगे आपकी जिंदगी में। और आप यदि इसको प्रतिदिन करते हैं फिर तो सोने पे सुहागा है। अब एक दोस्तों मंत्र बता रहा हूं सोमवार के दिन में आपको क्या करना है, जो लोग ये सारे प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी मैं एक प्रयोग बता दे रहा हूं। तो जानकारी पूरी शुरू करने से पहले बता दूं दोस्तों कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। जानकारी पसंद आती है इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो सोमवार के दिन में आप क्या करें, जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं ओम श्रीम शिवाय नमस्तुभ्यम, श्रीम मंत्र इसमें लक्ष्मी मां का बीज मंत्र है, श्रीम जो है प्रधान मंत्र है, बीज मंत्र धन प्राप्ति का। तो आप इसको चाहें तो जो मैंने अभी जो रेमेडीज बताई हैं ये कर पा रहे हैं तो ठीक है, और जो लोग ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो सोमवार के दिन में बस आपको क्या करना है, जब आप सोने जाने लगते हैं तो थोड़ा सा हाथ पैर धो लें, बिस्तर वगैरह साफ कर लें, ठीक है। अगर सोमवार सोमवार करते हैं तो सोमवार और प्रदोष में कर सकते हैं, अमावस्या में और चतुर्दशी में, और नित्य प्रति करेंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। यही मंत्रों का आपको भगवान महादेव से विनती करके ओम श्रीम शिवाय नमस्तुभ्यम 11 बार 21 बार 51 या 108 जितना ज्यादा इस मंत्र का जाप करके सोएंगे उतना ज्यादा आपकी जिंदगी में धन योग बनेगा, क्योंकि श्रीम मंत्र जो है लक्ष्मी मां का बीज मंत्र है और इस मंत्र का जब आप जाप करेंगे तो आपके चंद्र मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। महादेव के जो उपासक होते हैं उनकी जिंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं आती है। आपने देखा है कि सोने की जो लंका थी ये माता पार्वती ने अपने लिए बनवाई थी, लेकिन जब रावण ने तपस्या की तो भगवान महादेव ने वो भी दान कर दिया। औघड़ दानी है, जो भी महादेव का उपासक होता है उसके जो भी महादेव से चाहता है 100% उसको मिलता है, अपने पास कुछ नहीं रखते महादेव, सब दान कर देते हैं। तो आप अपनी जिंदगी में यदि चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हमेशा पैसों की भरमार रहे, आर्थिक तंगी का कभी सामना ना करना पड़े, पैसों से रिलेटेड कभी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए, कोई काम ना रुके, तो महादेव की उपासना जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से शुरू कर दीजिए। प्रदोष के दिन में बेलपत्र और शमी पात्र जरूर चढ़ाएं, और हो सके दोस्तों तो एक प्रयोग और आपको बता रहा हूं, लाल चंदन जो होता है आप लाल चंदन लेकर के आए मार्केट से, इसको घिस लें, इसका एक पेस्ट बन जाएगा। एक तांबे का पात्र लें, पहले शंकर भगवान को शुद्ध जल चढ़ाएं, उसके बाद में एक लोटा जल और लें तांबे के पात्र में, उसके ऊपर ये लाल चंदन डाल दें। अब आपको शिवलिंग पर ये वाला जल कैसे आपको चढ़ाना है, आपने ये जल लिया, पहले आपने शुद्ध जल से शिवलिंग पर चढ़ा दिया, ठीक है। अब लाल चंदन जो आप चढ़ाएंगे, लाल चंदन आपको अपने तरफ करके इस तरीके से आपको शिवलिंग पर अपने तरफ हाथ करके और ऐसे आपको जल चढ़ाना है और इस मंत्र का जाप करते जाए ओम श्रीम शिवाय नमस्तुभ्यम, लक्ष्मी आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगी, पैसे आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे, बहाने मार मार करके पैसे आएंगे आपकी जिंदगी में। सोमवार, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, और नित्य प्रति करेंगे फिर तो और भी अच्छा है। जो लोग नित्य प्रति नहीं कर पाते हैं तो सोमवार और जो मैंने दिन बताए इन दिन जरूर करें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।